इस मुश्किल घड़ी पे अपने आप को अकेले मत समझो। हाँ बेटा, तू इस घर की रौनक हो। ये प्रिटेंड तो नहीं कर सकता कि मुझे अंदाजा है आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। इस चीज का मुझे यकीन है कि जिस हिम्मत से आप हालात का सामना कर रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको रिवॉर्ड करेंगे। ये बंदाना मेरी समझ से बाहर है। जब देखो अपनी जगह पे नहीं होता और पूछो तो झूठ पे झूठ। कभी बेटी का रिजल्ट है, कभी पार्किंग में जगह नहीं मिली। काम का बोलो तो अभी करता हूँ, कल हो जाएगा। हम कोई बात करना चाहते हैं। कहें बीजान। बेटा तमहीद क्या बांधना, आप तो बेटी हैं हमारी, और अगर माएं अपनी बेटियों के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, है ना? बेटा अभी तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी का पूरा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे फौरन अभी अभी या देर से, लेकिन आपको अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब भी आप ये सोचे, ये मत भूलिएगा कि हम आपकी माँ हैं। हम आपको इस घर से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रुखसत करेंगे अपने साहिब। शुक्रिया बीजान। बीजान मेरी जिंदगी ना बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है। उन्होंने भी सारी जिंदगी बेवकी में गुजारी और उनका मकसद सिर्फ मैं थी। ये बात तब समझ नहीं आती थी मुझे, जब अल्लाह ने मुझे हिरा दी तो मुझे समझ आई मेरी जिंदगी का मकसद हिरा है, सिर्फ हिरा। हाँ अल्लाह बहुत हिम्मत दे मेरी बच्ची, अपने आपको कभी भी अकेला नहीं समझना। हम जब तक जिंदा है ना, आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ है। शुक्रिया बीजान। बीजान आपको पता है ना, स्कूल में नौकरी कर रही हूँ मैं, बस ये दर्द की वजह से थोड़ा गैप आ गया। मैं मंडे से दोबारा ज्वाइनिंग कर रही हूँ। अल्लाह कामयाबी। क्या बात है, आज तो अकेले ही शतरंज की बाजी लगाए बैठे हैं आप। बेटा जब आपके चश्मे हारने लगते हैं ना तो निकल लेते हैं। अब इनकी छोड़ी हुई बाजी को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ऑफर कर सकता था, लेकिन आपको पता है मुझे चेस की एबीसी भी नहीं आती है। आपकी और हमारी नस्ल में बुनियादी फर्क शौक का है। शतरंज आपको आता नहीं है, किताबों से दिलचस्पी नहीं है, क्लासिकल मौसीकी के बारे में बात करना ही फजूल है। देखिए वक्त जो है ना बहुत सिमट चुका है, सब जल्दी में है और ये सारे शौक वक्त मांगते हैं। तुम्हारी बात भी किसी हद तक सही है बेटा, हम ठहरे रिटायर्ड लोग, अकेले खेल के अभी बोर नहीं होते। खैर सब छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? क्या मतलब, शतरंज से एकदम से शादी पे? एकदम से नहीं, मैं काफी दिन से सोच रहा था कि तुमसे बात करो, लेकिन तुम हाथ ही नहीं आते थे। अब देखिए रमशा के डैड का इलाज चल रहा है और ऊपर से अभी तक तो उसका हॉस्पिटल भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो आस लगाए बैठे हैं बेटा, कब शादी करोगे, कब पोता पोती को गोद में खिलाएं। वेरी फनी। तो फिर ऐसा करें, दुआ मांगें कि उसके अब्बू जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और उसका हॉस्पिटल भी कंप्लीट हो जाए ताकि हमारी शादी हो जाए। हम तो हैं ही दुआओं के लिए बेटा,
अल्लाह रमशा के हक में बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। चलें, यू कैरी ऑन विद योर गेम, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। राजी यार, मैंने तुम्हें कितनी बार ये बताया कि अभी मैं बेबी प्लान नहीं कर सकता, मैं फ्यूचर के सारे ऑप्शंस इस वक्त खुले रखने चाहता हूं। तो क्या तुम्हारा और मेरा फ्यूचर अलग अलग है? है तो नहीं, मगर हो सकता है। जमशेद, तुम ना मुझे ये धमकियां मत दिया करो। तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे और मेरे घर वालों के बगैर कुछ भी नहीं है। ससुराल वालों को बैंक समझना छोड़ दो। तुम्हें ना छोड़ दूं? तो छोड़ दो। अगर शादी के बाद भी मुझे मेरे घर वालों के पैसों पर जीना तो प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जानती हो ना शम्मू कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, जानती हो ना? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूं। मैं कितनी कोशिश करता हूं कि सब चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। लेकिन इस बार ना, इस बार आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट। बस मुझे सरमाया चाहिए, फिर तुम देखो। मैं रोहेल भाई से तो बात नहीं कर सकती, हो सका तो अम्मी से बात करूंगी। हाँ हाँ करो ना, अम्मी से बात कर लो और फिर हम बेबी भी प्लान कर लेंगे। वैसे तुम्हारी इस कंपनी में शेयर्स भी है ना, हम वो बेचकर भी कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। जमशेद, तुम खुद से कभी कुछ प्लान मत करना। मेरे शेयर्स पर नजर रखने की बजाय ना कुछ और सोचो। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। और तुम हो कहां पर? नहीं यार, दिस इज नॉट फेयर। I'll kill for a coffee right now. तुम्हारे यही बहाने होते हैं हमेशा से। रूही जी, कहां जा रही हैं आप? कॉफी बनाने। अच्छा, लिसन, I'll call you back in a while, okay? क्या मतलब कॉफी बनाने? मैं फोन पे कॉफी की बात कर रहा हूँ तो आप कॉफी बनाने चली जाएंगी? हाँ, आपको पीनी थी। प्लीज बैठे यहाँ पर। कैसी हैं आप? मेरी जॉब हो गई है। सीरियसली, कहाँ पर? स्कूल में। बहुत बहुत मुबारक हो रही है आपको, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। बस हीरा की फिक्र हो रही थी मुझे, लेकिन मजे की बात यह कि मुझसे ज्यादा हीरा बीजान के पास ठीक रहती है, तो बीजान ने कहा मैं इसको रखूंगी जब तक तुम काम से आओ। I'm not surprised. बस अब आप भी जल्दी शादी करें ताकि इस घर के अंदर आपके बच्चों की आवाजें गूंज जाएं। देखें, अब होती है शादी। ये क्लास है हमारी। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू मैडम। ये आपकी नई क्लास टीचर है। रूही की ना स्कूल में जॉब लग गई है, स्कूल जाने लगी है, खुश हैं बहुत। हम भी खुश हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जी जी, क्या कह रही थी?
हम ये कह रहे हैं कि रूही की स्कूल में जॉब लग गई है, बहुत खुश है वो आजकल। तो बहुत खुशी की बात है भाई, हमें पहले बता दिया होता हम मुबारकबाद दे देते। दे दीजिएगा, मसरूफ हो जाएगी ना थोड़ी तो उसका गम कम हो जाएगा शोहर से जुदाई का। सही कह रही बीजान आप, भरी जवानी में बेचारी बेबगी का गम इसी गहरे जख्म की तरह होता है, भरते भरते भरता है। रमशा ने एक रिश्ता बताया था अपने कजन का रूही के लिए, जवान बच्चों का बाप था, बीवी फौत हो गई थी, हमने मना कर दिया। सही किया आपने, लेकिन बाद में किसी मौजूद रिश्ते पे गौर तो किया जा सकता है ना। हाँ किया जा सकता है, लेकिन अब इस बात का फैसला तो रूही खुद ही करेंगे ना। अच्छा हम ना आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। बोले। देखिए रूही को हमारे घर आए काफी अरसा हो गया, और इस तमाम अरसे में उसका जो रहन सहन है, उसकी जो तहजीब है, उसकी जो तमीज है, वो सब देखते हुए हमेशा हमें अपने पन का ही एहसास हुआ। ऐसा ही है। देखिए रूही शादी तो अब करना नहीं चाहती, और अगर वो शादी करेगी भी ना तो हम उसे इस घर से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रुखसत करेंगे। लेकिन अगर वो शादी नहीं करेगी तो हम फिर उसे इस घर से कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं नहीं जाने। शीजान आप कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती, और वैसे भी रूही और हीरा जो है वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बस आपकी इजाजत चाहिए थी, अब हम कह सकते हैं कि रूही हमारी बेटी। एक काम करें, एक स्टैम्प पेपर ले आए, उस पे लिख के मैं साइन कर देता हूँ। वैसे आपका ये मशवरा है बहुत माकूल। एक मिनट, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हम यहीं बैठे हैं ना, आप ये कान में नहीं लगा सकते। ठीक है जनाब, फरमाए। अच्छा हम ये कह रहे थे कि थोड़ी शॉपिंग करनी है कपड़ों। क्रेडिट कार्ड मौजूद है, जब चाहे चले। नहीं आप साथ जाइए। जी जी मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँ। चलें फिर हम जरा आप ये रखें वापस और देखें क्या निकालने है अलमारी में। आपका ताबा परवरदार। चलें भाई। यार देखो जरा, कह रहे कोरमे निहारी पाए ये खाने क्यों नहीं बनाते। इडियट्स, बोला भी है कि मुझे नहीं आते। क्या हुआ यार, कमेंट्स में लिखते जा रहे हैं आपके खाने समझ नहीं आते, देसी खाने बनाए। क्या है किसी रशीदा बाजी के चैनल पे, वो खाने बनाए और अपना वजन बढ़ाए। प्रिय सी रमीन, तुम्हें अपनी ऑडियंस की डिमांड भी तो देखनी चाहिए ना। सुहेल आई एम नॉट देसी काइंड ऑफ शेफ, मुझे नहीं आते बनाने, ना ही समझ आते, और इतने चैनल से वहां चले जाएं। आई हैव एन आईडिया फॉर यू। रूही जो है ना वो देसी खानों में बहुत एक्सपर्ट है, तुम्हें उसकी मदद लेनी चाहिए। ये रूही का नाम लेते हुए तुम्हारे चेहरे पे एक रंग आ जाता है, मतलब जैसे। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मशवरा दिया तुम्हें मैंने बस। एक नॉर्मल सी बात है, इतना अजीब सा रिएक्शन दे रहे हो। एनीवेज मैं चलती हूँ, बाय। मशकूर साहब की आपकी सगी औलाद है, खून है आपका, सड़क से उठाकर नहीं लाए हम इसे, लेकिन किसी से गिला क्या करें, एक ही घर में रहते हुए सारी जिंदगी आपने हमारे साथ सुतेलों से बदतर सलूक किया है। जुमा जुमा 8 दिनों में इसे दफ्तर जाते हुए, और आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की ठान ली। मम्मी एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए रुहेल ने मेरा नाम दिया था, मगर इन्होंने, मेरे बाप ने मेरे नाम पे सुर्ख मोहर लगा दी, निकाल फेंका मेरा नाम। क्यों अब्बू क्यों? 28 सालों की शादी में तुमने 1000 बार इस घर को तोड़ने की कोशिश की, भाइयों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की, बच्चों में तफरीक पैदा किया ताकि ये खानदान तिनकों की तरह बह जाए।
और आज मेरी ही बेटी तुम्हारी जबान में बात कर रही है मुझसे। इतना हसद करती हो तुम बड़े भैया की फैमिली से? तुम्हारे आगे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ जायदाद दौलत, यही तुम्हारे दिमाग में है सब कुछ? आप क्या चाहते हैं, बड़े भैया के औलाद के सामने हाथ फैलाकर खड़ी रहूं मैं? वो मालिक और हम हिस्सेदार? वाह मियां साहब, क्या खूब कही आप। अब्बू जान, अगर सारा कारोबार बराबरी की बुनियाद पर होता तो दफ्तर में मेरी भी कोई हैसियत होती। मैं तो बेशर्मों की तरह रोज चली जाती हूँ, ना किसी फैसले में ना किसी मशवरे में। किसी से क्या गिला करना बेटा, जब अपना सगा बाप अपनी औलाद के रास्ते की रुकावट बन जाए। सुकून से घर पर बैठो, अल्लाह देख रहे ना हमारा सबर, और हमारे सबर का फल हमें मिलकर रहेगा। मशकूर साहब, एक बात बता दूं मैं आपको, आप और आपके सगे बहुत पछताएंगे। ठीक, तुम्हारे जहरीले इरादों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वो फैसला करूं जो मैंने आज तक नहीं लिया था। ठीक है, यही सही। तुम लोग बंटवारा चाहते हो ना? ठीक है, तो बंटवारा ही होगा। ये घर, प्लाट्स, दफ्तर और बैंक बैलेंस जो हमने 30 सालों में कमाया था, उसको तकसीम करने का वक्त आ गया। मेरे ख्याल में तकसीम जो है एक बहुत महज़ब लफ्ज़ है, बंटवारे का वक्त आ गया है। कभी ना कभी तो यह होना ही था। अच्छा हुआ कि हमने अपनी जिंदगी में ही यह सब देख लिया। इस घर के बंटवारे के साथ साथ बरकतें भी बढ़ जाएंगी, मोहब्बतें भी तकसीम होंगी। सही वक्त पे आपने ये फैसला किया मशकूर मियां। अगर हमारे बाद ये सब कुछ होता तो शायद हम कब्र में भी चैन से ना रहते। शुक्रिया मशकूर मियां, शुक्रिया। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरे मुंह से बंटवारे के मनहूस अल्फाज निकले, उस समय अपना होशवास खो बैठा था। जो आपके कानों पे मुसलसल जहन में मुझे अल्फाज हथौड़ी की तरह बरस रहे हो, तो और आपके आपके पास ऐसा से कमतरी में शिकार लोग हो तो आप भी शायद वही करें जो मैंने किया। मैं अपनी जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर रहा, शर्मिंदा हूं, शर्मिंदगी की छोटा लफ्ज़ है। आप पढ़िए, बाप की तरह आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे माफ कर दें, मैं नहीं करूंगा कभी ऐसा। हद हो गई, अल्लाह माफ करे, आपके अब्बा जाने ऐसे रंग बदले जैसे कोई क्रिकेट रंग बदलता है। मैं तो ये सोच रही थी कि आज फैसला हो जाएगा, बदल जाएगी हमारी जिंदगी, लेकिन नहीं, ऐसे यू टर्न लिया इन्होंने।
अबू ना डरते हैं ताया जान से। कोई डरते बढ़ते नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं सब, हमारे खिलाफ सब इकट्ठे हो जाते हैं। सालों से इनके साथ रह रही हूँ, सबकी खसलत को अच्छे तरह जानती हूँ मैं। अब मेरे ऑफिस जाने का क्या होगा? तुम चुपचाप ऑफिस जाओ, ऐसे फील करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सरताज, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ अर्ज करें। ये जो आपने पूरे खानदान के सामने हमें बेइज्जत किया है, उसके बदले में बीजान बड़े भैया ने तो बहुत इनामात दिए होंगे आपको, जब पर खाली हाथ आए। बीजान छोड़ें, जो हो गया सो। कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकती मैं। सोचा था जिंदगी बदल जाएगी, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, लेकिन नहीं, सारे के किराए पर पानी फेर कर रख दिया इन्होंने, वही तनख्वाह पर गुजारा करेंगे हम। किस चीज की कमी तुम्हारे, किस चीज की कमी है तुम्हें? जो तनख्वाह हमको मिलती है ना, वही बड़े भैया की फैमिली को मिलती है, अखराजात के अलावा। जी कुछ नहीं है ना, तकाजा करो, मांगो, लेकिन ये बात सोच लो कि अभी भी हजारों और लाखों से बेहतर हो तुम दोनों। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाएं, मेरी बात सुने। आपने ऑफिस में मेरी चीजें काफी रुकवा दी थी, उन्हें प्लीज अप्रूव करा दें। गाड़ी मिलते मिलते रह गई। कह देंगे थैंक यू, और अगर गाड़ी देंगे तो मेरी बेटी पर कोई एहसान नहीं करेंगे, हक है मेरी बेटी का। It's confirmed news that the Earth's core has started. कुछ खास बात करना चाहते हैं हम आप सब से, जरा तवज्जो चाहिए आप लोगों की। Yeah. अब मैं रूही, सबकी तवज्जो चाहिए, सब में आप भी शामिल हैं, यहाँ आ जाइए। आप भी इधर आ जाइए मसरूर साहब, और आप भी प्लीज। जना आप सब जानते हैं कि रूही जब हमारे घर आई तो एक मेहमान की हैसियत से, अरुई अपने गुमशुदा शौहर को ढूंढते हुए डरी सहमी रुई बहसियत मेहमान हमारे घर आई, और कब मेहमान से ही हमारा फैमिली मेंबर बन गई हमें पता ही नहीं चला। और जब आपके बड़े भैया ने हीरा की पैदाइश पे सरपरस्त में अपना नाम लिखवाया तो तब से रूही हमारी बिल्कुल शम्मो जैसी हो। और हमारी ये बेटी अपने शौहर की नागहानी मौत पे जिस तरह टूट के बिखर गई, हमने इसे अपने दिल से अपनी बेटी की तरह इसको मां की आगोश में समेट लिया। और आज हम कुछ ओके
हमने जब भी कोई फैसला किया जो कि बराह रास्त जिसका ताल्लुक खानदान से हो, हमने सबको शामिल किया। और आज जिस फैसले का ऐलान हम कर रहे हैं, वो उसका ताल्लुक आप सबसे बराह रास्त है तो नहीं, लेकिन है भी। आज हमें ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रूही को हमने अपनी कानूनी सरपरस्ती में ले लिया है। यानी आज से रूही हमारी और मसरूर सिद्दीकी की कानूनी बेटी है। हेलो समरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप मुझे कैसे कॉल कर ली? अरे बहुत दिन हो गए थे, तुमसे बात नहीं हुई। और अब तो खैर से तुम कंपनी डायरेक्टर बन गई हो, तो मुबारकबाद तो बनती है। थैंक्स। और बताओ क्या हो रहा है आजकल? मैं आजकल एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। गुड यार। अच्छा एक बात बताओ, ये रूही का क्या सीन है? सुना है बीजान ने उसे गोद ले लिया, लीगली अडॉप्ट कर लिया? हाँ, ऐसा ही कुछ है। सच्ची बात है यार, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि ये रूही कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है। तुम ना अपने नन्हे से दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो, अपने बिजनेस पे फोकस करो। कहती तुम ठीक हो। चलो मैं चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास, आजकल तो मैं इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा हूँ। अच्छा चक्कर लगाओ फिर देखते। ओके देख के बाय। ओके बाय। हेलो। वैसे इस तरह की अचानक मुलाकातें हफ्ते में एक दो बार हो जाएं तो शायद हमारी मंगनी रंग लगने से बच जाए। और ये अचानक मुलाकात कैसे हो गई? लेट मी करेक्ट यू। आई कॉल्ड यू, मैंने टाइम सेट किया एंड देन वी मेट। और आपकी इस अचानक मुलाकात के लिए मुझे दो मीटिंग्स पोस्टपोन करना पड़ी हैं, सो व्हाई डोंट वी कॉल दिस अ डे? रूहील, तुम जानते हो ना मेरे डैड कैंसर की किस स्टेज पे, जानते हैं। फिर हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन भी होनी है, हॉस्पिटल की मशीनरी स्टॉक हुई है, तुम सारे प्रॉब्लम्स जानते हो। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स का जज्बात से कुछ खास ताल्लुक नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता? होता है, कि डॉक्टर्स इंसान नहीं होते, डॉक्टर सिर्फ इजहार नहीं कर पाते। रमशा ऑनेस्टली मैं तो बस सोचता ही रहता हूँ कि किसी वक्त रैंडमली तुम कॉल करोगी मुझे। वेल, जब मैं हॉस्पिटल से घर जाती हूँ ना, मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि खाना खाए बगैर सो जाती हूँ। तो अगर शादी के बाद भी यही रूटीन रही तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा, शादी के बाद तो रोमांस वैसे ही किल हो जाता है। वाह, तो फिर शादी से पहले भी नहीं है रोमांस, शादी के बाद भी नहीं होगा, तो सिर्फ मंगनी ना चलने दें फिर। तुम कुछ ज्यादा ही मूड में नहीं हो आज? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे फैमिली का बहुत प्रेशर है, सब उठते बैठते मुझसे यही पूछते हैं कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। तो कर लो ना शादी, किसने मना किया तुम्हें? ओके नाउ दैट वाज अ बैड जोक। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ड्रीम्स ना पूरे करूँ, अपने बाप को छोड़ दूँ क्योंकि जनाब को शादी करनी है? Do not start with me, Ramsha, okay? I respect your ambition. मैं चाहता हूँ तुम्हारा हॉस्पिटल बने, but I hope you realize कि हमारी मंगनी को बहुत अच्छा हो चुका है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो कर लो ना शादी, लड़की तुम्हारे घर में मौजूद है, नहीं लाइक कर, और तुम्हें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, किस्सा खत्म कर दो ना आज इसी वक्त।
अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, अम्मी कहाँ हैं? ये अच्छा सवाल है। अम्मी तुम्हारी बाजार गई हैं, रूही स्कूल गई है, समरीन और रुहेल जो है वो ऑफिस गए हैं, हीरा जो थी वो अभी हमारे पास थी, उसे शायदा लेकर गई है। इतनी तफसील काफी है? अब्बू, आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खुश रखे। बात दरअसल ये है बेटा कि हम रिटायर्ड लोगों के पास ना खुश रहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, तुम कैसी हो? जमशेद मियां कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अब्बू, और जमशेद भी ठीक है। अब्बू आपको पता तो है, जमशेद का जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने के बजाय सिर्फ शॉर्टकट्स तलाश करता रहता है। अभी भी वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप के लिए भाग दौड़ कर रहा है, जिसके लिए उसको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। अब वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि मैं रुहेल भाई से बात करूं। बेटा, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रुहेल मियाँ तुम्हारी वजह से जमशेद मियाँ की मदद करते रहते हैं, और उसको भी पता है कि रुहेल की नज़र में तुम क्या हो, तुम्हारी क्या अहमियत है, इसी बात का वो फायदा उठाते। अब्बू, मैंने जमशेद को खुद किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है, वो तो मैं अपने साले से ले लूंगा, और कह रहा था कि मैंने कौन सा उसको वापस करनी है। वो हंस रहा था और मुझे देखकर उसने बात बदल दी। अब्बू, आप रुहेल भाई को समझाएं प्लीज। मैं बात करता हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूही, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। शम्मो, तुम्हें जॉब की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर। अरे नहीं, तुम आओ हमारे साथ बैठो। अब अरे भाई, ये कहाँ करेंगी कोई काम, नौकरी से थकी आई हैं। आप तशरीफ रखिए, आराम कीजिए। मैं हीरा को देख कर आती हूँ। ठीक है, बैठो। मैं आज बेदा बेगम, मशकूर मियाँ का राम पूरियों पे किया हुआ तजिया कभी कभार 100% दुरुस्त साबित होता है। अरे बड़े भैया, इलाहाबादियों के लगाए हुए जख्म दिलों पर अभी तक याद है हमें। बात करेंगे तो दूर तक जाएगी, छोड़िए इन बातों को। और बताओ शम्मो, कैसी है? मैं ठीक हूँ चच्ची। बहुत अच्छा कलर पहना हुआ, जच रहा है तुम पर, बहुत प्यारी लग रही है। और बताएं अब्बू, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम बेटा। पता नहीं क्या हो गया उसे, इतनी बिटर तो वो पहले कभी भी नहीं थी। लेकिन अम्मी, इतना बेबुनियाद इल्जाम, मैं तो हैरान ही रह गया। चुप, हो जाता है। वो दिन रात काम करती है, कभी कभी इधर का स्ट्रेस उधर निकल ही जाता है। बिल्कुल हो जाता है अम्मी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन रूही कहाँ से आगे बीच? अच्छा, आप परेशान ना हो, हम उनसे खुद बात कर लेंगे, मुनासिब वक्त देखकर कर लेंगे। ठीक है, महल मावे।